सो हेलो फ्रेंड, गदर 2 मूवी जिस तरीका से बॉक्स ऑफिस पर पूरे कमाल और धमाल मचा के रखा हुआ है, उसी तरीका से आज से कुछ दिन पहले KGF चैप्टर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर पूरे कमाल और धमाल मचा के रखे हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 मूवी और गदर 2 मूवी के 9 दिन के बॉक्स ऑफिस मनी कलेक्शन के बारे में कि 9 दिन में सबसे ज़्यादा कौन कमाया, KGF चैप्टर 2 या गदर 2 मूवी कमाया। तो बात करते हैं गदर 2 मूवी में, जहाँ सन्नी देओल अहम रोल में नजर आए हुए और सारे मेकर्स भी नजर आए हुए थे। और बात करें KGF चैप्टर 2 में तो संजय दत्त जी और रॉकी स्टार की भी नजर आए हुए थे इस मूवी में। तो बात करें KGF चैप्टर 2 की 9 दिन की कमाई के बारे में, तो KGF चैप्टर 2 अब 14 अप्रैल को 2022 में ये मूवी रिलीज होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 1200 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करके इतिहास रचता है। और बात करें ये, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में 1200 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली, लेकिन हिंदी भाषा में कितने की, क्योंकि गदर 2 मूवी हिंदी भाषा में ही सिर्फ रिलीज हुआ है। तो बात करें सिर्फ हिंदी भाषा की, तो ये मूवी दिल के डायरेक्शन में बनी थी और ये मूवी लगभग 100 करोड़ से की इसकी बजट से मूवी बनी थी। और बात करें इस मूवी में हमारे KGF चैप्टर 2 में रॉकी भाई और संजय दत्त जैसे अहम रोल करते हुए नजर आए थे। बात करें इस मूवी के पहले दिन कमाई की, तो ये मूवी पहला दिन लगभग 55 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करके इतिहास रच लिया। और बात करें दूसरे दिन कमाई की, दूसरे दिन भी 47 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। और तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन में 43 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करके इतिहास रचा। और बात करें चौथे दिन की, चौथा दिन भी इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और चौथा दिन भी 50 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करके इतिहास रच लिया। और बात करें पाँचवा दिन इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और 26 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। और छठे दिन 19 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की। और सातवें दिन बात करें, सातवां दिन भी 16 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर रहा था। और बात करें आठवां दिन, तो आठवां दिन भी 14 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की। और आज नौवां दिन है, नौवां दिन की बात करते हैं, यह मूवी को अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिलते हुए पूरे 12 करोड़ की कमाई कर ली। और यह मूवी पूरे ब्लॉकबस्टर मूवी रहा, जो कि 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुआ था और पूरे पल से 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली थी। और हिंदी भाषा की बात करें तो 9 दिन में लास्ट 9 दिन की कमाई 12 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। और अब बात करते हैं गदर 2 मूवी, जो कि पूरे 22 साल के बाद ये गदर 2 मूवी आता है। आज से 22 साल पहले गदर मूवी आया था, जिसमें कि सन्नी देओल अहम रोल करते हुए नज़र आए थे। तो यह बात करें, ये मूवी लगभग अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी, लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से मूवी बनी। अब बात करते हैं इस मूवी की लास्ट नौ दिन की कमाई की। तो बात करें पहला दिन ये मूवी लगभग 40 करोड़ 10 लाख की कमाई करके इतिहास रच लिया। और बात करें दूसरे दिन की, ये मूवी दूसरा दिन 45 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। और बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन भी इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और 55 करोड़ 10 लाख की कमाई करके इतिहास रच लिया। और चौथे दिन की बात करें तो ये मूवी 32 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। पाँचवें दिन की बात करें तो पाँचवा दिन ये मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि 15 अगस्त था, मतलब ऑफ ड्यूटी था इसी वजह से ये मूवी, जो कि 65 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। और छठे दिन की बात करें तो छठे दिन भी 25 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। सातवां दिन भी इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता रहा और पूरे बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी कमाल धमाल मचाते रहा और 31 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। और आठवां दिन की बात करें तो आठवां दिन भी इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और 26 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर ली। और आज है नौवां दिन, इस मूवी का नौवां दिन की बात करें तो 22 करोड़ 50 लाख की कमाई करके इतिहास रच रहा है। और ये पूरे मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी हो चुका है और पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा के रखा हुआ है। तो आप लोग किसके फैन हैं, KGF चैप्टर 2 या गदर 2 मूवी के, मतलब कि रॉकी भाई के या फिर सन्नी देओल के, तो आप लोग कमेंट के जरूर बताएगा। और ये थी छोटी सी कंपेरिजन वीडियो, आप लोग कैसा लगा कमेंट के जरूर बताएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।